कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में फरियादी ब्याज पर पैसे देने वालों की शिकायत लेकर पहुंचे। कमिश्नर ने फरियादों की समस्याओं को सुनकर ब्याज पर पैसे देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लगातार फरियादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर दरबार में पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाता है, जिससे फरियादियों में यह भरोसा जाग चुका है कि उनकी समस्याओं का समाधान जनता दरबार में ही होगा। इस बार जनता दरबार में फरियादियों की तरफ से ब्याज पर पैसा देने व लेने के खिलाफ शिकायत की गई, जिसके बाद कमिश्नर ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए कहा, ब्याज पर पैसा लेना व देना दोनों ही कानूनी अपराध है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शिकायतकर्ताओं से मिला हूँ, कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहाँ पे कोई जमीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है सितम्बे के आधार पे, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ है। का स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनसे अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक म्यूटेशन का मामला था, कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं, कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, जो इलीगल है, उसको देना भी इलीगल है, लेना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रखते हैं जहाँ पर लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर सोल्यूशन निकल जाए, जैसे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए और बिना बात में बात को आगे ना बढ़ाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।